ओके, वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टू वर्ड्स अबाउट वार मशीन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ वार मशीन का कितना ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ग्राफिक में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा ग्राफिक लो है बेटा, क्या हो गया, अटक गया। ओके, तो इसके बारे में बात कर ले, वॉर मशीन के बारे में। ओके, तो वॉर मशीन के बारे में चलो बात कर लेते। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो वॉर मशीन देखने को मिला हम सबको, जो एकदम परफेक्ट, और जैसे कि हमने आयरन मैन के 1 2 3 जितने भी हमने मूवीज़ में देखा, वॉर मशीन को ज़बरदस्त और काबिल तारीफ़ के लायक है। इतना ज़बरदस्त यूनिफॉर्म दिया है इन्फिनिटी वॉर में उसको कि कुछ मतलब कमाली तारीफ़ करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। इतना कमाल का यूनिफॉर्म बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज भी थोड़ा बहुत वो वीक है उस हिसाब से। कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी पॉइंट पे आज कहीं ना कहीं जाकर वो थोड़ा बहुत वीक लगता है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर एवेंजर्स के सभी मेंबर्स को अगर टायर 3 का ऑप्शन मिलता है तो वॉर मशीन का क्या होगा टायर 3 के बाद। वो सोच के मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि वॉर मशीन का लेवल जो है वो काफ़ी हद तक आयरन मैन के लेवल के जितना या उससे ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि हमेशा से मैंने उसका यूनिफॉर्म देखा उतना कुछ खास थे नहीं, लेकिन इन्फिनिटी वॉर का ये जो यूनिफॉर्म है अभी तक के सारे यूनिफॉर्म से सबसे ज़्यादा बेटर और पावरफुल और डैमेज वाला है। इसके आई फ्रेम्स के बारे में बात कर लो या इसके डैमेज के बारे में बात कर लो, सभी यूनिफॉर्म से बेस्ट यूनिफॉर्म है। मैंने जब से गेम को खेला है तब से मैंने वॉर मशीन का सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म देखा मैंने, वो भी नॉर्मल वाला जो डिफ़ॉल्ट में था वही यूनिफॉर्म देखा मैंने। और अभी तक के मैंने इसको वॉर मशीन का टायर 2 नहीं किया था। जब इन्फिनिटी वॉर का जब यूनिफॉर्म आया ये वाला यूनिफॉर्म, उसके बाद में जब इसका मैंने डैमेज देखा, इसका परफॉर्मेंस देखा, इसकी जो पावर्स देखी, जो इसकी ग्रोथ थी, वो सब देख कर मुझे वॉर मशीन का यूनिफॉर्म लेना पड़ा और उसके वॉर मशीन को मैंने टायर 2 किया। तो इसका वॉर मशीन का इतना बढ़िया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस था इन्फिनिटी वॉर का यूनिफॉर्म का, बहुत ही बढ़िया, मतलब इम्प्रेस कर दिया। स्टार्टिंग में जब मैंने इसको वॉर मशीन का यूनिफॉर्म देखा था तब मैंने कुछ खास इसको मैंने मतलब उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया। लेकिन बाद में जब मैंने कोऑप में, जब मैं ऑटो प्ले में खेल रहा था या मैन्युअली खेल रहा था, तब वॉर मशीन की जो टीम थी या वॉर मशीन का जो वॉर मशीन कैरेक्टर है वो मेरे साइड में टीम अप में आता था, तो आने के बाद जो उसका डैमेज था वो मेरे डैमेज से कई गुना ज़्यादा था। 100%, 98%, 99%, 80% खुद अकेला वो स्कोर कर लेता था। तो उसको देख के फिर मैंने डिसाइड किया कि वॉर मशीन का ये सूट अब तो लेना ही पड़ेगा। और इसका काफ़ी अच्छा सूट है इस बार, आप देख सकते हो स्क्रीन पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। स्किल नंबर 5 में तो बहुत ही अच्छा है। और इसको डैमेज प्रॉक दे सकते हैं साथ में, गार्ड पे कम्युनिटी, क्रिटिकल डैमेज, डैमेज प्रॉक, ऐसे भी आप लोग दे सकते हैं चाहो तो। और डैमेज प्रॉक की बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत ही बढ़िया यूनिफॉर्म है, सभी स्किल्स एकदम परफेक्ट है। चलो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, अभी देखता हूँ क्या होता है। और सभी के सभी इसने किल कर लिया। इसको मैंने दिया हुआ है फियर इफेक्ट दिया हुआ है, साथ में रिकवरी है और वेब स्टन और फियर का है, ठीक है। सुपर विलन टाइप डैमेज है, चलो देखते क्या होता है। हैप्पी दिवाली सभी को, भूल गया था बोलना। चलो देखते हैं मेरा क्या असर होता है। मैं अपनी स्किल्स यूज़ करता हूँ, मैं 4 5 को छोड़ के दूसरा कोई स्किल यूज़ करता हूँ। जैसे एग्जांपल 1 यूज़ करता हूँ, अब मैं 3 यूज़ करता हूँ, अब 3 में क्या है, ठीक है, वापस से 1 यूज़ करता हूँ, अब 4 यूज़ करता हूँ, 4 में आई फ्रेम है, उसके बाद में अब 5 यूज़ करता हूँ, 5 में लंबा संबा आई फ्रेम है जो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा डैमेज वाला आई फ्रेम है। चलो यहाँ तक रहने दो, बाद में क्लियर कर लूँगा, उसके बारे में और डिटेल बात करते हैं। इसका पोटेंशियल लेवल भी मिल चुका है अभी। मेरे पास सिर्फ वॉर मशीन का एक ही यूनिफॉर्म था, वो डिफ़ॉल्ट वाला, और एक था जो फ्री में मिला था, लगभग कुछ गोल्ड स्पेंड करना था तो वहाँ से कुछ मिल गया था, जैसे कि ये वाला यूनिफॉर्म।
तो बाकी सब यूनिफॉर्म से अगर इसका कंपेयर किया जाए तो इन्फिनिटी वॉर का जो यूनिफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा बेटर और परफॉर्मेंस वाला है। उसके बाद इसका एनहांस वगैरह सबको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्किल में देख लेते हैं, यहाँ पर 122% फिजिकल अटैक, एनर्जी डैमेज, उसके बाद में फिजिकल डैमेज, फिजिकल अटैक, स्टन इफेक्ट 5% इंक्रीज फिजिकल डिफेंस, उसके बाद में गार्ड अगेंस्ट हिस 6 सेकेंड्स। बाकी का सब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉर्मल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने वाले स्किल्स है इसके पास। 30% फिजिकल अटैक की लीडरशिप है इसके पास। साथ में यहाँ पर इसके गियर्स देखते हैं, गियर्स में काफ़ी अच्छे मैंने उरू दे रखा है नॉर्मल वाले, ज़्यादा कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं किया, बस नॉर्मल दे दिया। 14,000 इसका ATK है फिजिकल अटैक यहाँ पर, और क्रिटिकल डैमेज 174, क्रिटिकल रेट 32, अटैक स्पीड 121, एनर्जी अटैक 9,000, और इसके जो स्किल कूल डाउन ड्यूरेशन है वो है 50% फुल, और मैंने इसको आईएसओट दे रखा है पावर ऑफ एंग्री हल्क। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्रिटिकल डैमेज कर देता हूँ ताकि इसका डैमेज जो है वो ज़्यादा रहेगा। चलो क्रिटिकल डैमेज कर दिया, अब देखता हूँ इसका डैमेज कितना है, 186, और स्किल कूलडाउन ड्यूरेशन है 48%। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेंटेन कर लेंगे उतना। उरू एम्प्लीफिकेशन नहीं किया मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर, और एक उरू यहाँ पर लगा दिया मैंने अपना, कोई बात नहीं। मेरे पास अभी गोल्ड का मैं, वरना मैं इसको एम्प्लीफिकेशन कर देता, थोड़ा सा करके देखता होता है कि नहीं। चलो जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ, देखता हूँ इसका कितना आया है स्किल गोल्डन ड्यूरेशन, 50% हो गया है, 50% से ज़्यादा गया, चलो अच्छा है। 186% का क्रिटिकल डैमेज है, साथ में 31 क्रिटिकल रेट है, 121 अटैक स्पीड है, फिजिकल अटैक है 14,000। ये जो वॉर मशीन जो कैरेक्टर है ये फिजिकल अटैक करने वाला कैरेक्टर है, जैसे अभी मैं आपको स्किल्स में दिखाया है इसके सभी के सभी, इसमें फिजिकल डैमेज और कुछ कुछ एनर्जी डैमेज है, कुछ कुछ एक का दो कैरेक्टर स्किल्स इसमें एनर्जी डैमेज है, बाकी इसमें सभी इसमें फिजिकल डैमेज है और फिजिकल अटैक है। तो ये जो कैरेक्टर है ये फिजिकल अटैक वाला कैरेक्टर है, इसको चाहो तो आप लोग गार्ड विद इम्यूनिटी प्लस क्रिटिकल डैमेज और डैमेज प्रॉक देना, अगर देना ही है तो, ताकि अच्छा डैमेज करेगा, डैमेज प्रॉक के साथ तो और भी बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको, ट्राई करके देख लेना। अब डैमेज प्रॉक वाला कौन सा देना चाहिए वो भी देख लेते हैं यहाँ पर, जो भी इसको आपके पास होगा डैमेज प्रॉक वाला वो दे देना। एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास अभी डैमेज प्रॉक वाला मेरे पास ऑब्लिक्स नहीं है फिलहाल तो, फिर भी देखता हूँ मैं, अगर मिल गया, हाँ मिल गया, एक मिल गया, एक मिल गया, यहाँ पर 100% का है। लेकिन जो ऊपर की जो स्टेट है ये अब अच्छे वाले देखना, क्रिटिकल डैमेज, गार्ड विद इम्यूनिटी। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि गार्ड विद इम्यूनिटी का हमको कहाँ मिलेगा ऑब्लिस्क, तो यहाँ पर देखो क्रिटिकल डैमेज का मैंने दो लॉक करके रखे, ऐसे ही आपको गार्ड विद के मिलेंगे, आपको गार्ड विद के ढूंढ के रखना है और उसको लॉक करके रखना है। क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल लाइटनिंग डैमेज, लाइटनिंग डैमेज, गार्ड विद इम्यूनिटी, देखो यहाँ पर एक गार्ड विद इम्यूनिटी है। ऐसा वाला आपको ऑब्लिस्क लेना है जिसका स्टेट ऑरेंज हो, ऊपर वाला वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता ऑरेंज कलर का, और नीचे का जो ग्रीन होता है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको अपग्रेड कर लेता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ मैं। इस तरीके से अगर आप अपग्रेड करोगे, इसी तरीके जैसे जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से अगर आप अपग्रेड करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको डैमेज प्रॉक या इनविजिबिलिटी दोनों में से अगर कोई भी चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरा ऑब्लिस्क ख़त्म हो गया है, चलो देखो यहाँ पर मेरे को 100% का 100% का डैमेज प्रॉक मिल गया है। गार्ड बी कम्युनिटी, लाइटनिंग रेसिस्ट, 100% का डैमेज प्रॉक। तो ऐसे ही कुछ डैमेज प्रॉक अगर आपके पास में आता है 100 से लेके ये आता है टोटल 200 तक, तो अगर 200 में से अगर कोई भी आपको डैमेज प्रॉक मिल जाता है तो वो इसको दे देना, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा डैमेज प्रॉक के साथ। आपको स्टोरी मिशन या स्पेशल मिशन या कोई भी खेलना हो तो वो ये ऑटो प्ले पे कर देगा आसानी से बिना किसी दिक्कत के।
थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा मैं कर लेता कंप्लीट, फिर देखते हैं टीम चेंज करेंगे हम लोग इसका और देखते हैं कुछ खास कर पाते हैं क्या नहीं। हो जा 60 हो जा, हो गए, चलो मेरा काम हो गया आसान। चलो थोड़ा बहुत एनर्जी बचा के रखता हूँ, काम आएगा। ओके यहाँ पर मेरा टीम सेटअप तो हो गया। चल तेरा दोनों का काम हो गया, अभी आ जा बेटा। तो ये है इसकी बेस्ट टीम, लेकिन जो वॉर मशीन है ये 30% फिजिकल अटैक देता है, जो कि आयरन मैन के लिए मेरे ख्याल से उतना अच्छा नहीं है। आयरन मैन जो है वो एनर्जी अटैक वाला कैरेक्टर है, तो उसको एनर्जी अटैक टाइप लीडरशिप का कैरेक्टर चाहिए। साथ में यहाँ पर हल्क बस्टर का फिट बैठता है, लेकिन ये 24% ऑल अटैक देता है ऑल अलायंस के लिए, यानी 24% एनर्जी अटैक भी, 24% फिजिकल अटैक भी, तो ये दोनों तरफ के डैमेज को देता है। तो अगर देखते हैं यहाँ पर दोनों का कितना डैमेज होता है, यहाँ पर इंक्रीज 22,000 होता है आयरन मैन का, और वार मशीन का होता है लगभग 14,278। और अगर मैं वार मशीन को लाता हूँ तो यहाँ पर कितना होता है इसका 19,000, और हल्क बस्टर का कितना होता है 15,000। वापस से अगर मैं चेंज करके देखता हूँ तो देखते हैं अभी कितना होता है इसका 14,000। यहाँ पर स्किल कूलडाउन ड्यूरेशन है आयरन मैन का लीडरशिप, तो यहाँ पर तो कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर वॉर मशीन की कुछ आपको टीम देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक मिनट, सॉरी मैं आयरन मैन की चूज़ कर लिया, सॉरी 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 एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर वॉर मशीन के कुछ आपको टीम अप देखने को मिलेंगे आयरन हंट के साथ, साथ में शेरॉन फाल्कन के साथ मेरे ख्याल से टीम अप इसकी अच्छी रहेगी। उसके बाद में कुछ आयरन मैन और किंग पिन के साथ, विजन के साथ, हल्क बस्टर और बाकी के जो अभी टीम मैंने सेटअप करके दिखाया वो बाकी के साथ भी इसकी टीम अप होती है। उसके बाद में पुनिशर, विजन और आयरन मैन के साथ कुछ खास लोगों के साथ ही इसकी टीम अप है, बाकी किसी के साथ ज़्यादा खास टीम अप नहीं है। इसका पोटेंशियल लेवल मिल चुका है, एनहांस कर सकते हैं अगर चाहो तो। उसके बाद इसके यूनिफॉर्म को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले जाऊंगा, नहीं ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम रेयर तक जाऊंगा, उसके आगे इसके यूनिफॉर्म को ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस दूंगा नहीं। पोटेंशियल एनहांस कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एंटीमेटर की कमी होने की वजह से यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ, मैं इसको नहीं करूँगा फिलहाल तो। 60 लेवल का ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये था वॉर मशीन जो कि मेरा है और काफ़ी अच्छा बेस्ट है, परफॉर्मेंस है, लेकिन रैंकिंग में भले ही नहीं आता हो लेकिन मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।